ये 1 किलो नेट 1 किलो मैदा मैंने लिया है, 1 किलो मैदा की पापड़ी पूरे परिवार के लिए बना रहे हैं। सौ ग्राम रवा डालेंगे, सूजी डालेंगे, करीब 100 ग्राम सूजी हमने डाल दिया है इसमें 1 किलो मैदा में। और इसमें थोड़ा हम डालेंगे हल्का सा नमक, अजवाइन, और इसमें करीब डालेंगे हम 100 ग्राम तेल, अप्रॉक्सीमेट आइडिया से तेल डालेंगे। लगा लेते हैं, हाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम मिक्स कर रहे हैं धीरे धीरे, इसको मिक्स करने में 2 से 4 मिनट लगेंगे बस। करें देखिए, हाथ से इतने बढ़िया से मोन दे रहे हैं, दोनों हाथों से मसल ले रहे हैं। कम मैदा होती तो आप हाथ से मसल सकते थे। हाँ, मोन लगाने के बाद देखिए हमारा आटा इस तरह का मुट्ठी बनने लगी है। ये देखिए इस तरह का होने लगा है। जब आटा हमारा इस तरह का हो जाए तो हम इसमें हल्का सा पानी मिलाएंगे। पानी मिलाते हुए इसको गूंदेंगे, पानी मिला लेते हैं। अब बढ़िया सा इसका डो बना लेते हैं। वो आटा गूंदते जा रहे हैं। अब ये जब गूंद के तैयार हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे गूंद के तैयार होता है। ये अभी देखो, ये मेरा करीब करीब आटा गूंद के तैयार हो चुका है। अभी हमारा आटा जो है गूंद के तैयार हो चुका है। देखिए ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ना बहुत ज़्यादा मुलायम है। इस तरह उंगली आराम से जा रही है। इसको घुमा के हम इसको 2 घंटे के लिए रख देते हैं। अब हम इस भगोने में इसको 2 घंटे के लिए रख देते हैं ढककर। इसकी हम पूरी जैसी बना लेंगे। देखिए पूड़ी हमारी ये तैयार हो गई है। ये पूड़ी से थोड़ा पतला रहेगा और इसे चक्कू से या किसी कांटे से गोद देंगे। इसके बाद इसको हम जो है 1 घंटे के लिए पंखे में रखकर सुखा लेंगे। इसी तरह हम सारी पूड़ियाँ बेल लेते हैं। ये हमारी पापड़ी तैयार हो चुकी है। ये अब इसको हम जो है अभी तलने जा रहे हैं।
हमारी पापड़ी बेहतरीन तैयार हो चुकी है, ये हल्की सी मैं सूख भी चुकी है। कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई ऑलरेडी मेरी गर्म हो चुकी है, देखिए इस तरह डालेंगे। चाय क्या डालें? ये देखिए एक और लाल हो गई, इसको मैं पलट चुका हूँ, इसको करारे करारे लाल लाल होने देते हैं। अब हम इसको फिर पलटते हैं एक बार, देखिए हमारा ये बढ़िया से फ्राई होने लगी, लाल होने लगी है। फिर हम इसको थोड़ी देर दबा देते हैं, तेल में थोड़ा दबा देते हैं, दबा दबा के थोड़ा सेक लेते हैं तो अच्छे से लाल हो जाएगी। ये देखिए हमारी पापड़ी जो है वही लाल होने लगी है, हल्का से ब्राउन हुआ है, अभी हमें डार्क ब्राउन करना है इसको। पापड़ी जो है ब्राउन होती जा रही है, हल्की ब्राउन हो गई है। हम इसको एक बार पलट लेते हैं और पकड़ने के बाद फिर इसको 2-30 सेकंड बाद निकाल लेंगे। सही से किया, हम इसको निकाल देते हैं। हाँ देखिए इसका सारा तेल निकल चुका है, आग पूरी तरह सूख गई है, निकाल के हम रख लेते हैं। अपन इसी तरह से अभी सेक लेते हैं।